नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज मौजूद हम ग्राम पंचायत सरमथला जो कि सोना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पंडित जयमल मेमोरियल पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर आपको रियलिटी चेक कार्यक्रम के दौरान दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइव कार्यक्रम होगा। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में पहुँच करके आपको सीधे तौर पर दिखाया जा सके कि कितने बच्चे और किस किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया गया है और कौन कौन यहाँ पर मौजूद हैं। और बच्चों से भी हम पूछेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है बच्चों को। यहाँ के स्कूल संचालक से भी आपकी बात कराएंगे। आप हमारे साथ सीधे सीधे जुड़े रहें और क्लास में लेकर के हम सीधे चलेंगे आपको। बैठिए। आप में से कौन बच्चा बताएगा स्कूल में पढ़ना ठीक है, घर से पढ़ना ठीक है? बच्चों, घर में पढ़ाई की है ना आपने? बेटा मास्क नीचे करिए। क्या नाम आपका? वसुंधरा जी, बताइए बेटा। घर पे हम पढ़ तो सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते कमज़ोर होते हैं वो स्कूल से सीख सकते हैं, टीचर्स से। टीचर्स हमको अच्छे से गाइडेंस भी देते हैं, रहते हैं। और कोई बच्चा? बहुत अच्छी बात बताई बेटा ने। बताओ और कोई, और किसी बच्चे को नहीं पता स्कूल में पढ़ना क्यों ठीक है? आप बताओगे? मैं आता हूँ बेटा, मास्क नीचे करिए। क्या नाम आपका? अंजलि जी, बताइए बेटा। घर पे पढ़ाई कर नहीं सकते, घर पे बच्चे ऐसे रहते हैं, स्कूल में आके थोड़ा टीचरों का डर होता है, उस वजह से पढ़ते हैं। वेरी गुड। और कोई बच्चा? चलिए, अच्छा बच्चों ये बताओ, डेली आप इसी तरीके से बैठते हो? ऐसा तो नहीं आपको हमारी वजह से बैठाया गया हो? स्कूल वाले परेशान तो नहीं करते किसी वजह से आपको? करते हो तो बता दीजिए आप। फीस के लिए कोई दबाव डालते हो? नहीं। अच्छा सर आप बताएं, ऑनलाइन क्लासेज आपने दी हैं, मास्क नीचे कर दिए आप, इधर दीपक इधर से क्लियर हो गए हैं? नहीं क्लियर इधर ठीक। क्या समस्या आती है ऑनलाइन पढ़ाने में? सर ऑनलाइन क्लासेस में सबसे बड़ी जो समस्या है वो इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स। जैसा कि सर जानते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस ले तो लेते हैं, लेकिन ये है ना कि बच्चों को जो पर्सनली इंटरेक्शन होती है वो हमें वहाँ नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ी समस्या हमारी यहीं आती है सर, जैसे कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, मैं इधर मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों का रिस्पॉन्स साथ के साथ चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेज में सर कभी तो नेटवर्क किसी होता है मोस्टली, तो और बच्चों का सर मेन है फ़ोन की समस्या कि हर पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस टाइम हमें काफ़ी समस्याएँ आई थी। अब हम रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा बच्चों डेली आप इसी तरीके से बैठते हैं? चलिए, पंडित जयमल मेमोरियल स्कूल है सरमथला स्थित, आप खुद देख रहे हैं एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाया गया है और लाइव प्रोग्राम है। लाइव प्रोग्राम दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिससे कि जो भी इस कार्यक्रम को देखे और वो देखे स्वयं निर्णय ले कि पंडित जयमल स्कूल में एक्चुअल में ही पढ़ाया जा रहा है या नहीं। क्यों? हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखा सकें। आप जुड़े हैं, बेटा कौन सी क्लास है? कौन सी? बैठ जाओ बेटा, कौन सी क्लास है बच्चों? अच्छा आप रोजाना इस तरीके से बैठते हो सभी? चलो गुड, पढ़ो। बच्चा कौन सी क्लास है? सेकंड। तो डेली आप इस तरीके से बैठते हो मास्क लगा के? yes. एक बेंच पे एक बच्चे को बैठाया जाता है? चलो ये सेकंड क्लास के बच्चे हैं, खुद बच्चे बताने का कार्य करेंगे। डेली इसी तरीके से ना बैठाया जाता है, प्रॉपर मास्क है। सर आपसे बात कर लेते हैं बाद ये, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस में जाना तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आपके लिए भी नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, यहाँ खड़े हो जाते हैं उजाले में। सर अपना परिचय दीजिए, इधर देखो। पंडित जयमल मेमोरियल हाई स्कूल और उसका प्रिंसिपल हूँ। शुभ नाम सर? सुखबीर भारद्वाज जी। सर क्या समस्या आप लोगों को आ रही है स्कूल चलाने में? स्कूल चलाने में समस्या आ रही थी, जो ऑनलाइन क्लासेस दी थी उसकी फ़ीस आई नहीं, और रेगुलर पढ़ा रहे हैं उनकी भी फ़ीस नहीं आ रही है, पेरेंट्स जो है कोई फ़ीस नहीं दे रहा है, और स्कूल को मैनेज करना, टीचरों की सैलरी देने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सर कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाह रहे हैं कि हम पेरेंट्स को जो अपना जो बच्चे
नहीं दे पा रहे हैं जिनकी फीस, उसको हम कम भी कर लेंगे, लेकिन कम से कम पेरेंट्स को दें ताकि हम टीचरों को सैलरी दे सकें जी, जिससे शिक्षा शिक्षा ताकि प्रभावित ना हो और बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे। तो टीचरों पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि भाई इनको जो है टीचरों के भी घर हैं, उनके भी अपने खर्चे हैं, तो फीस देनी चाहिए। अच्छा सर, पंडित जयमोर जय मेमोरियल जयमल मेमोरियल पब्लिक स्कूल है जो, क्या सावधानियां बरतने का कार्य कर रहा है शिक्षा देने के दौरान? उसमें हमारे जी पूरा जो प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कोविड 19 की, उनका वो कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं उनमें, और बच्चों को आरओ का पानी पिला रहे हैं, सोशल डिस्टेंस से हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं, कंसेंट लेटर लेके ही बच्चों को स्कूल में आने दिया जा रहा है। धन्यवाद। तो जैसा कि सर हैं सुखबीर भारद्वाज, इन्होंने बताया है सारी चीज़ें कि किस तरीके से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस के थ्रू बच्चों को बिठाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और दूसरा एक सर से और पूछ लेते हैं, परमिशन की बात है वो रह जाती है और हम भी भूल जाते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले आप ये बताएं, आपकी परमिशन से हमने आपके स्कूल में एंट्री की है ना? हाँ जी, आप ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम स्कूल में घुस गए हो? आप बिल्कुल बिल्कुल जी, पूछ के ही स्कूल के अंदर एंट्री किया और हमने इनको अलाउ किया है। जो रियलिटी चेक कार्यक्रम है, इससे कुछ फ़ायदा होगा लगता है क्या? इससे जो है स्कूल वाले जागरूक होंगे और जो लापरवाही भी कर रहे होंगे वो भी अपना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करेंगे। धन्यवाद। तो बाकी तय अभिभावक पर ना, और बाकी किसी भी ऐसी भी किसी स्कूल में कोई अन्य कोई समस्या हो तो सीधे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपकी समस्या को प्रमुखता से स्कूल के संचालक एवं स्कूल से संबंधित जो भी अधिकारी हो उस तक पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। धन्यवाद।